कितने सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम सीए के साथ साथ बीकॉम अगर करते हैं तो रेगुलर करें या करस्पॉन्डेंस से करें। तो दोनों बात समझते हैं। सबसे पहले आप अगर रेगुलर कॉलेज करने के फ़ायदे क्या हैं, रेगुलर कॉलेज करने से आपकी कम्युनिटी बनती है, लाइजनिंग होती है, कई कॉलेजेस आपको कैंपस प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करते हैं और कॉलेज का करिकुलम अगर आपके सीए के साथ मैच हो रहा है, डिपेंडिंग आप कौन से लेवल पे हैं, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको दिक्कत होगी, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं तो अगर मैच होगा तो आपको आसानी हो जाएगी कि दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो रही है, कई बार कोचिंग नहीं करनी पड़ती अगर कॉलेज के अच्छे टीचर्स हैं तो। अब नुकसान क्या है, नुकसान ये होता है कि सेमेस्टर्स की वजह से एग्ज़ाम देने में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, उसके साथ साथ अगर कॉलेज दूर है तो कन्वेंस में आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, कॉलेजेस आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इनक्रेज करते हैं तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कॉलेज के साथ साथ सीए की आर्टिकलशिप, कोचिंग और पढ़ाई, एग्ज़ाम्स सबको मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता है। तो अगर आपका सोल एम सिर्फ सीए करना है और आपको लग रहा है कि ये भी आपके लिए टफ है, रेगुलर कॉलेज के साथ आप मैनेज नहीं कर सकते, तो गो फॉर सीए एंड गो फॉर बीकॉम। बीकॉम ज़रूर करना है, चाहे करस्पॉन्डेंस से करूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप दोनों मैनेज कर सकते हो, आपको लाइजनिंग चाहिए, आपको कैंपस प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, देन यू शुड गो फॉर रेगुलर कॉलेज। All the best.